ये पागड़िया का सीलिंग फ़ैन है, अचानक से ख़राब हो चुका है। हम इसको रिपेयर करेंगे और क्या प्रॉब्लम हुआ है देखते हैं। पहले तो हम चेक करेंगे ये जो फैन में जाने वाला जो दो तार होते हैं, इसमें जलने की वजह से भी फ़ैन नहीं घूमता है, या कोई कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो नहीं घूमता। और हम ये सीरीज बोल्ट की मदद से हम चेक करके देखेंगे। देखिए ये सीरीज बल्ब है, और इस तरह से हम तार को जॉइंट करके चेक करके देखेंगे, कहीं बॉडी तो शॉर्ट नहीं हुआ है। बॉडी शॉर्ट नहीं है, और हम उसको ये कैपेसिटर वगैरह को चेक करके देखेंगे, कहीं भी शॉर्ट नहीं दिख रहा है। और ये कैपेसिटर को हम चेंज करके देख लेते हैं, जो पुराना कैपेसिटर है इसके ये ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हम इसमें नए कैपेसिटर लगा लेंगे, लगा के चेक करेंगे। पुराना कैपेसिटर है, इसको हम चेक करेंगे। देखिए नया है, नया लगा के देखते हैं। नया कैपेसिटर लगा लिया है, चेक करके देखते हैं। नहीं घूम रहा है, यानी कि कुछ अंदर में ख़राब हो चुका है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। हम फैन को खोल के देखेंगे। कोयल देखिए थोड़ा जला हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा चलते हुए गर्म हो चुका है, गर्म होके जल चुका है, इसके वजह से ऐसा हुआ है। वाइंडिंग सब जल चुका है, और देखिए ये वाइट का निशान आ गया है। ये सब बानी सब गर्म होके जल चुका है, इसके वजह से ख़राब हो गया है। इसको भी हम निकाल के देखेंगे। ये जलने की दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सा जल चुका है, इसके वजह से ये नहीं घूम रहा था। ये देखिए ये सब तार इसमें जल चुका है, वाइंडिंग सब गर्म होके जल चुका है, इसको पूरा वाइंडिंग करना पड़ेगा, ख़राब हो चुका है, पूरा वाइंडिंग करके इसको फिटिंग करना पड़ेगा। हम चेक करके भी देखेंगे, हो सकता है एक कोयल को शॉर्ट करके यदि हो सकता है हम ट्राई करेंगे, या नहीं हुआ तो उसको हम पूरा वाइंडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।